हे हाय, सो ये है थर्ड वीडियो। थर्ड वीडियो में हम देख रहे हैं प्रोटिस्टा के किंगडम प्रोटिस्टा को। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बेसिकली कोई भी चीज़ हो, आप उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई? वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हैबिटेट देख लेंगे कि कहाँ रह रहा है। तो ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक, ज़्यादातर एक्वेटिक में रहते हैं। सो एक्वेटिक और एक्वेटिक अगर नाम आ गया तो दोनों इसमें लाइक अंदर आ ही गए। फ्रेश वाटर भी आ गया, फ्रेश वाटर, और दूसरा रहेगा आपका मेराइन। तो ये दोनों आगे हैबिटाट जहाँ तक की बात है। अब जहाँ तक की सेलुलर लेवल की बात है, तो प्रोटिस्टा क्या था? सिंगल सेल यूकैरियोट। ये हुआ था, नहीं हुआ था, ये आपका सिंगल सेल प्रोकैरियोट था। ये आपका जेनेटिक मटेरियल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा टाइम गुजरा और उसके बाद इससे बना सिंगल सेल यूकैरियोट, जिसमें अपना न्यूक्लियस था, अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स थे, अलग अलग चीज़ें थी। ये सारा का सारा क्या बना? ये बना सिंगल सेल बट यूकैरियोट। बट सिंगल सेल यूकैरियोट क्या होते हैं? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा होता है ये पूरा, प्रोटिस्टा। और इससे आगे जाकर के तीनों निकले थे। प्लांट भी इसी से आगे, प्लांटी और आपका एनिमेलिया और आपका चाहे हुआ फंगस, ये तीनों इसी से निकले। तो अब क्या हो रहा है, ये कनेक्टिंग लिंक है नहीं है जो आपका बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया प्लांटे एनिमेलिया फंगे के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। सो कनेक्टिंग लिंक हो गया ये आपका। अब इसके अलावा इसमें भाई रिप्रोडक्शन देख लेते हैं भाई, रिप्रोडक्शन बताया गया इसमें। सो रिप्रोडक्शन आपका दोनों तरीके का, ए सेक्शुअल भी करता है और सेक्शुअल भी करता है स्पोर से। तो अब इसको फटाफट से कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स, देखिए सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स मोनेरा, सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्टा आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बट लोगों को कोई बोलता है कि ये जो है पहले प्लांट था, ये प्रोटिस्टा में है, तो वो एक थोड़ी सी बाउंड्री जो है फ्लेक्सिबल है। कुछ साइंटिस्ट किसी चीज़ को एक चीज़ में रखते हैं कि कुछ दूसरी चीज़ में। वट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट, जो कि एक फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टा हो सकता है किसी बायोलॉजिस्ट के लिए, वो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी हो सकता है। इन दिस पर्टिकुलर बुक विल इंक्लूड क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूक्रेनोलॉइड, इन तीनों को हमने इंडिपेंडेंटली देखना है। अब स्लाइम मोल्स आर द प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा, मतलब ये चार सारी चीज़ें, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्रेनोइड, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोअन्स, ये सबको हमने देखना है। मेंबर्स ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक रहेंगे। हैबिटाट बोल रहा हूँ ना, कोई भी और मिलेगा आपको, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई कैटेगरी हो, चाहे क्लास हो, आपको क्या देखना है? उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स देखने हैं। हैबिटाट कहाँ रहता है, किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, क्या कुछ उसके स्पेशल फीचर्स हैं कि नहीं है, बस इस तरीके से याद भी रहेगा आपको। सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन के लेवल पे क्या है, वो भी, वो ये सारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारा जब हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सो द किंगडम फॉर्म, ओके, मेंबर द प्राइमरली एक्वेटिक हो गए, एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों आ गया। दिस किंगडम फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द अदर डीलिंग विथ प्लांट्स। सो ये एक तो भाई बीच में आ रहा है ना, कनेक्टिंग लिंक है सब चीज़ों के बीच में। सो बोल रहा है कि बींग कहाँ गया, बींग यूकैरियोट, यूकैरियोट है द प्रोटिस्टिंग सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि भाई क्यों नहीं होगा, सिंगल सेल यूकैरियोट की पहचान है ही क्या? एक तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बट द जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड। सो एक तो न्यूक्लियस होना चाहिए प्रोमिनेंट और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होने चाहिए। तो यही बोल रहा है कि यूकैरियोट है इसलिए न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं। अब सम हैव फ्लैजेला और द सीलिया, कुछ के पास फ्लैजेला और सीलिया मूव करने के लिए होगा। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, सेक्सुअली इन्वॉल्विंग द सेल फ्यूजन एंड द जायगोट फॉर्मेशन और इन सम केस मे बी सम स्पोर्स काइंड ऑफ थिंग, कि किसी सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करता है, सेल फ्यूजन, जायगोट फॉर्मेशन करता है, किसी किसी केस में स्पोर्स भी बना लेता है। सबसे पहली कैटेगरी जो इसमें है वो है हमारी क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स के अंदर हम सेम चीज़, सेम ड्रिल, वही कि पहले देख लेते हैं हैबिटाट, अगर इसमें कोई हैबिटाट हो पेन, ओके, सो हैबिटाट ऑब्वियसली द हैबिटाट, दोनों तरीके का हैबिटाट कन्वर्ट ले लेगा ये। फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर और आपका एक्वेटिक में भी मिलेगा। अब इसके बाद इसमें न्यूट्रिशन, ओके, ये भी एक तरीके का वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में आपका आज रहेगा कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं ज़्यादातर, ओके, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक
ठीक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले पिछले वीडियो में देख रहे थे कि किस किस तरीके से आप चीज़ों को किस किस के खाना खुद बनाता है, ऑटोट्रॉफिक, लाइट सोर्स है ऑटोट्रॉफिक, या केमिकल सोर्स है कीमोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और यही सारी चीज़ें, और कार्बन का सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें देखने की न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में, जब डिटेल में आगे जाएंगे ना, ये तो बहुत ओवरव्यू पे है। तो न्यूट्रिशन हो गया, फोटोसिंथेटिक ज़्यादातर, ओके okay. इसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें सिलिका होती है, सिलिका, ओके okay. और बड़ी ही टफ एंड रफ एंड टफ, ये है आपका इमेज किसका, आपका डायनो डायटम्स का। तो यहाँ शुरू करते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड द गोल्डन एल्गे, ये आपका डायटम है, ये आपका गोल्डन एल्गे है। अब दे फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर, दोनों तरीके के हैबिटेट में पाए जा रहे हैं। अब दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली ऑन टू द वाटर कॉल्ड एज द प्लैंक्टन्स, लाइक कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो ऐसे ही पैसिवली वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, जो मिलता है खाते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन डायटम्स द सेल्वर आर फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ये दिख रहा है, ये एक सोप बॉक्स, इसको अभी आगे बताएगा कि सोप बॉक्स की तरह, अंदर आप इसको खोल के सोप बॉक्स की तरह सोप रख सकते हैं, ये ऊपर का नीचे वाला इसके अंदर एम्बेडेड है। The walls are embedded with silica, silica की बनी होती हैं, thus the wall are indestructible, ये मर भी जाते हैं तो settle down कर जाते हैं समुद्र के तल पे, और वहाँ settle down करके बना लेते हैं diatomaceous earth, okay? Thus diatom have left behind into the large amount of the cell wall deposits in their habitat, अपनी cell wall, ये जो cell wall जिसकी बनी हुई है वो उसको बहुत ज़्यादा amount में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो settle down कर जाते हैं नीचे की तरफ, और एक this accumulation over the billions of years, जब बिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते हैं, इज रेफर्ड एज द डायटमिशियस अर्थ, ओके डायटमिशियस अर्थ बना लेता है, बीइंग ग्रिटी एंड ग्रिटी दिस सॉइल इज प्रोड्यूस इज दिस सॉइल, ये पर्टिकुलर सॉइल है जो डायटमिशियस अर्थ की बनी होती है, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर लिया जाता है, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए, ऑफ ऑयल का फिल्ट्रेशन और सिरप का फिल्ट्रेशन करने के लिए। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस, और ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर। क्रिसोफाइट्स हो गया हमारा, हम बढ़ते हैं अगले की तरफ, डाइनोफ्लैजेलेट्स। इससे जो वन बट एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आया करता था वो था रेड सी के बारे में, कि रेड सी जो हो कंडीशन होती है कि किसी ऑर्गेनिजम्स का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि वो समुद्र का कलर ही उसने चेंज करके रख दिया, तो ये इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस ऑर्गेनिज्म की, तो इसको क्या बोला जाता है, रेड टाइड और रेड सी, रेड सी नॉट रेड टाइड आई गेस, ओके। तो यहाँ पढ़ते हैं कि हाँ रेड टाइड्स, तो डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि दी डाइनो, डाई मतलब दो, फ्लैजेला मतलब दो फ्लैजेला रहेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका एग्जांपल है आपका येलो वाले का, येलो डाइनोफ्लैजेलेट, एक तो आपको ये दिख रहा है ये वाला फ्लैजेला जो जा रहा है पूरे पूछे से घूम करके पूरा आएगा, ये फ्लैजेला, एक फ्लैजेला यहाँ से निकल रहा है, एक फ्लैजेला यहाँ से निकल रहा है, एक फ्लैजेला यहाँ से निकल रहा है, तो दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ट्रांसवर्स एक वर्टिकल। तो बोल रहे हैं कि दीज ऑर्गेनिजम्स मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। अब जब इसका हैबिटेट की बात आएगी तो हैबिटेट में आप क्या लिखेंगे कि ये मेराइन है ज़्यादातर, हैबिटेट इज मेराइन और फोटोसिंथेटिक, न्यूट्रिशन इसका हो जाएगा न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक। दे अपियर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और द रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन टू देयर सेल्स, जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके बिना पर ये उसी कलर के दिखाई भी देंगे। द सेल वॉल हैज़ ए स्टिफ सेल्युलोज प्लेट ऑन टू द आउटर सर्फेस, सेल वॉल में सेल्युलोज की बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्युलोज की। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, एनिमल्स को छोड़ दिया जाए तो सब लगभग सभी के पास आपको सेल वॉल मिल जाएगी, आपका प्लांट में सेल वॉल सेल्युलोज की बनी होती है, आपका फंगस में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, आपका बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। ऑन द आउटर सर्फेस मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होते हैं ज़्यादातर के पास, एक रहेगा लॉन्गिट्यूडनल एक रहेगा ट्रांसवर्स। इन टू द फरो बिटवीन दीज वॉल प्लेट्स वेरी ऑफन, ओके ये आप देख सकते हैं ये फरो है जिसमें कि आपका वो रहता है फ्लैजेला, ओके वेरी ऑफन ज़्यादातर रेड डाइजन डाइनोफ्लैजेलेट्स गोनियोलेक्स, ये नाम आया करता था, ये नीट का नहीं बट उस टाइम पे तो स्टेट पीएमटी और पीएमटीस का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, अब इतना नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है। अंडर गो सच अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक
सी अपियर रेड एंड दैट इज कॉल्ड द रेड टाइड, रेड नॉट रेड सी बट द रेड टाइड, टाइड्स जो है रेड रेड दिखेंगे आपको. टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में किल इवन मैरीन एनिमल्स सच सच एज फिशेस, और ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे ताकि ये खुद जिंदा रह सकें, बाकी लोग जिंदा ना रह सकें और दूसरी चीज़ें मरने लगती हैं इसकी वजह से. तो ये हो गया हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स. नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइम मोल्स. ओके, स्लाइम मोल्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट. ओके, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है सड़े गले पदार्थों पर जीवन व्यतीत करना को. ओके, पीछे कंट्रोल पी. ओके, सो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है आपका सड़े गले सैप्रोफाइटिक में आ गया आपका सड़े गले पदार्थों पर उनको मतलब वहीं से एब्जॉर्ब कर लेना न्यूट्रिशन को, इस तरीके से सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग, यार आप करते डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी चीज़ डिके करेगी उस पर ऐसे करके ये चलता रहता है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, बढ़ता रहता है, और जैसे ही इसको अपॉर्चुनिटिस्टिक टाइम मिलता है इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, उसमें स्पोर बना लेता है और फिर इसको डिस्पर्स कर देता है ताकि ये कहीं और जा करके वो बना ले. जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगी तब तक ये इसी तरीके से ग्रो करता रहेगा ये फ्रूटिंग बॉडी शायद ये. अब अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म द एग्रीगेशन कॉल्ड इज द प्लाज्मोडियम, साथ साथ आके प्लाज्मोडियम बना देते हैं, विच में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये सेवरल फीट तक फैल सकता है. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इनटू फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग द स्पोर्स एंड देयर टिप्स. अभी आप अनफेवरेबल स्पोर्स आप कभी भी याद रख लीजिए, डिस्पर्सल जो स्पोर्स का होगा फेवरेबल कंडीशंस में होगा, और स्पोर्स का बनना वो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा. चाहे बैक्टीरिया की बात करें, ये बैक्टीरिया था डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करने करते इसको पता चला कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये जो एक सेल है दूसरी सेल के अंदर चला जाएगा, एंडोस्पोर बना लेता है, और हर जगह स्पोर्स बनता है. जो स्पोर्स जो आगे चल के जो एडवांसमेंट हो गए प्लांट्स में भी, सीड क्या है एक तरीके का वो स्पोर ही है. जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती हैं तो सीड आपका रह सकता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी पानी मिट्टी सॉइल उसको जैसे ही मिलेगा वो ग्रो करने लग जाएगा. तो ग्रो करेगा फेवरेबल कंडीशन में, स्प्राउटिंग होगी मतलब कि फैलेगा फेवरेबल कंडीशंस में, और जो सो कॉल्ड वो बनेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में. सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन unfavorable condition plasmodium differentiate and forms a fruiting body bearing spore on onto their tips. The spore possesses true wall, iska true wall hota hai, and they are extremely resistant and survive many years. Oh, spores ka function hi hai, uski wall jo hoti hai badi resisting hoti hai aur kafi saalon tak kisi bhi bina kisi cheez ke survive kar sakta hai. Jaise hi favorable conditions aayenge dobara ban jayega. The spores are dispersed by the air current. जहाँ जहाँ पर वो प्रेजेंट होगा, अगर लिक्विड में या वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होगा, नॉर्मल है तो एयर के थ्रू होता है. नेक्स्ट जो चीज़ बची है वो हमारा है प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स बहुत बहुत तरीके की टाइप्स, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ. अब इसका जो खाने वाले का जो न्यूट्रिशन रहेगा वो क्या रहेगा, कंट्रोल पी, जो न्यूट्रिशन रहेगा वो हेटरोट्रॉफिक रहेगा. न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ. ओके, और दे आर बिलीव टू बी द प्रिमिटिव प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स. ओके, ये सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एनिमल्स के. देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स. नंबर वन अमीबॉइड, नाम अपने आप साफ बता रहा है कि अमीबा की तरीके. दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर दोनों तरीके, और मॉइस्चर तीनों, टेरेस्ट्रियल भी है वहाँ भी है. अब दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोड, या बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं जो सो कॉल्ड अमीबा जो आपने पढ़ा है वो प्रोटोजोन्स के अंदर आता है. अमीबा आता है प्रोटोजोन्स के अंदर और प्रोटोजोन्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर. तो सो ये हो गया आपका अमीबा, सूडोपोडिया निकलता है खाना अंदर ले लेता है. मरीन फॉर्म्स द सिलिका शेल्स ऑन टू द सर्फिस, सम ऑफ देम सच एज एंटोमीबा हिस्टोलिका, ये एक एग्जाम्पल है विच इज़ अ पैरासाइट. ओके, एंटोमीबा हिस्टोलिका कॉजेज द व्हाट यू कुड से डिजीजेज इन एनिमल्स. फ्लैजिलेटेड, ऑब्वियसली नाम फ्लैजिला होगा. द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ग्रुप आइदर आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो अपने खुद जीवन व्यतीत कर सकते हैं फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं. एंड दे हैव फ्लैजिला, तभी तो नाम पड़ा दे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. द पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच इज द स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा, एग्जाम्पल हो गया ये आपका डिजीज हो गया. सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, नाम भी अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दीज आर एक्वेटिक, एक्वेटिक हैं फ्रेश और मैराइन दोनों. Actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. आपका जो paramecium, आप paramecium का जो so-called structure देखते हैं, control P, control P.
ओके, जो पैरामीशियम का सो कॉल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं वो आपका जो इस तरीके का होता है वो क्या करता है, इस तरीके से सीले होते हैं ना ये, इसमें मूविंग के भी काम में आता है और आपका फूड को कैप्चर करने के लिए भी काम में आता है। तो ये एग्जाम्पल का हो गया सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का। नेक्स्ट थिंग वुड बी कंट्रोल एल, दे हैव कैविटी गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज एंड द सीलिया कॉजेज द वाटर टू, बोला ना कि एक तो मूव करने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है और खाने को अंदर की तरफ भेजने के लिए भी उसका इसी का सीलिया का इस्तेमाल हो रहा है और उसके थ्रू एक स्ट्रक्चर गलेट के थ्रू ये खाने को भेजता है, बाकी पानी बाहर चला जाता है, जो भी उसमें खाने का मटेरियल होगा उसको कैप्चर करके अंदर ले लिया जाएगा। स्पोरोजोन्स दे इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन टू देयर लाइफ साइकिल, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ट्वेल्थ क्लास में सबसे ज़्यादा डिटेल में इसी को पढ़ना है। जब आप मलेरिया पढ़ेंगे तो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम और भी जो बहुत तरीके के होते हैं प्लाज्मोडियम जो कि सब करते हैं, तो इसमें एक स्टेज होती है, स्पोरोजोइट स्टेज बोला जाता है इसको। तो स्पोरोजोइट में स्पोर लाइक स्टेज होता है स्पोरोजोइट, और वो एक मतलब मच्छर ने लिया वो स्पोर की फॉर्म में, स्पोरोजोइट की फॉर्म में, और उसने दूसरे व्यक्ति को जाके काटा और उसको भी मलेरिया हो जाएगा क्योंकि वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में दूसरे व्यक्ति में गया और वहाँ पर जा करके वो डिवाइड करेगा, आरबीसी को मारेगा, लिवर सेल्स को मारेगा, तो वो सारा का सारा स्पोरोजोन्स में हो गया। तो ये कंक्लूड करता है हमारा प्रोटिस्टा वाला पोर्शन और इसके बाद हम शुरुआत करेंगे फंगस की।